रही हूँ ना, सडनली लाइफ हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग. हाई फ्रेंड्स, सो फिर से स्टार्ट हो गया है मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स एंड आज मैं राय को पास्ता दे रही हूँ. तो जनरली कोई भी मैं जब थर्मोस यूज करती हूँ ना, फर्स्ट मैं उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके रखती हूँ. इससे क्या होता है, जब आप खाना देंगे ना तो बहुत लंबे अरसे तक खाना गर्म रहता है. एंड मैं पी रही हूँ पानी. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर कि सुबह उठ के फर्स्ट मैं ऐसे ही पानी पीती थी. एंड बहुत सिंपल पास्ता है, लाइक राय को ये पास्ता भी बहुत पसंद है. इसमें चीज एंड और कुछ भी हम लोग ऐड नहीं करते हैं. तो यहाँ पे राय उठ चुकी है एंड फर्स्ट थिंग इज कि मैं उसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी का मॉर्निंग रूटीन इज लिटिल बिट चैलेंजिंग, बहुत सारा मेरा काम भी बढ़ गया है. तो एट द एंड मैं इसमें थोड़ा ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ. That's it, pasta is done. And ये रहा राय का ब्रेकफास्ट, which is oatmeal, थोड़ा बनाना, नहीं तो कभी कभी मैं ब्लूबेरी ऐड करती हूँ and at the end little bit of brown sugar. तो अभी मैंने थर्मोस से पानी, लाइक गर्म पानी फेंक दिया है. एंड अभी आप जो भी खाना रखेंगे ना, लाइक वो बहुत ही लंबे अरसे तक गर्म रहता है. एंड ये वन ऑफ यू ओनली गेव मी दिस आइडिया. तो ये रेडी हो गया है, जस्ट पास्ता एंड वन योगर्ट. एंड राय के स्कूल में ऑलरेडी हैंड, लाइक हैंड सैनिटाइजर वाइप्स है, तो बच्चों को पता है ना सुबह में इतना खाने का मन नहीं करता है. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. मुझे सुबह से चांस ही नहीं मिला कि मैं आप सबको हाय बोलूं. एंड यहाँ पे है राय, तो मैं अभी राय को स्कूल में ड्रॉप करके आती हूँ. एंड यहाँ पे राय का मास्क भी है. I didn't take. तो चलिए लेट्स गो एंड लेट मी ड्रॉप हर. तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं. ऑलरेडी लाइन स्टार्ट हो चुका है एंड लाइक वी आर क्वाइट अर्ली ना वहाँ. वाई रूलिंग लाइक दिस? एंड मैंने बोला अभी राय को मास्क मत पहनो, यू नो, जब लाइक दे विल कम एंड दे विल चेक द टेम्परेचर देन टू वेयर द मास्क. लेट्स सी. तो फाइनली मैंने राय को ड्रॉप कर दिया है एंड अभी मैं वॉक करूँगी यहाँ पे. ऐसा तो मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ़ यू नो कि ये मौसम में ही ना बहुत लाइक लोग बीमार पड़ते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लू होता है. तो विच इज़ अभी तो थोड़ा डर ही लगता है, राइट? तो लाइफ अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है. तो लेट मी वॉक एंड मैं आप सबसे मिलती हूँ घर में जाने के बाद. तो मेरा वॉकिंग इज कंप्लीट एंड मैंने आज एक्चुअली इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ. ओह सी, 2.6 माइल्स मैंने वॉक किया है. तो अभी घर में इमिडिएटली जाके आई विल टेक ए शावर, पर बहुत अच्छा लगा. आई होप सो आई कैन कंटिन्यू दिस जो मैं बाहर वॉक कर रही हूँ. पर यू नो, जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा देन हाउ कैन आई वॉक, पर तब का तब सोचेंगे. अभी का माई मेन मोटो इज़ कि डेली मैं राय को ड्रॉप करूँगी एंड देन फिर मैं आके यहाँ पे वॉक करूँगी. ऐसा भी सी यू कैन सी कोई भी नहीं है. तो दिस इज़ ए वेरी सेफ प्लेस टू वॉक. तो चलिए घर चलते हैं. तो अभी मैं अपना बेडरूम थोड़ा साफ करूंगी एंड मैंने ऑलरेडी नहा लिया है. तो अभी जब से राय स्कूल जाने लगी है ना, मैं घर को कोशिश करती हूँ कि मैं और भी ज्यादा साफ रखूं एंड डेफिनेटली आई फील कि कहीं ना कहीं मेरा रूटीन और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है. के
बाद लाइक मेरे नीचे का जितना सारा काम था ना, बेडरूम का, फिर कपड़ा उपड़ा देना, मैंने सब दे दिया है। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे स्टेयर्स है ना, तो लाइक यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हुए ना, तो नी ऑपरेशन बहुत जल्दी कराना पड़ेगा। ऐसे ये घर में अगर आप बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तो गारंटी, स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ का ही मैंने देखा है कि नी का प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, बट या इट्स अ फैक्ट ऑल्सो। लाइक हम लोगों के घर में कोई भी एजेड आदमी आते हैं ना, वो देखते हैं ना, पहले बोलते ओ माई गॉड मेरे नी का क्या होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं अप एंड डाउन बिल्कुल भी ना करूँ, लाइक बहुत कम करूँ। पहले तो मैं अपना यहाँ पे एक ड्रेस भी रख देती थी। तो चलिए, अभी टाइम इज़ 11 o'clock एंड अभी मैं खाना बनाऊँगी। पर ओ एंड मैंने बिंदी नहीं लगाया, राइट? एक बिंदी लगा देती हूँ। मोस्ट ऑफ़ यू लव मी वेयरिंग बिंदी एंड मुझे भी लाइक अभी से मेरा चेहरा कैसा अधूरा लगता है ना बिंदी के बगैर। तो यहाँ पे मैं अपना बिंदी भी रखती हूँ। ये थोड़ा बड़ा बिंदी है, चलो कोई बात नहीं, ये ब्लू कलर का बिंदी लगाते हैं। या सी, अभी मैं ओके लग रही हूँ। तो नाउ द टाइम इज, हाँ ये घड़ी में दिखाई देती हूँ, नाउ द टाइम इज 11:10 एंड अभी मैं जल्दी खाना बनाऊंगी। पर उससे पहले यार, एक चीज़ खाने का बहुत मुझे मन कर रहा है, एंड आई थिंक सो मैंने शुक्रवार को ही मैंने खरीद के लाया था। क्या होगा यार, शुक्रवार को ही मैंने खरीदा था, पर फिर बनाना नहीं हुआ। दैट इज कॉर्न ऑन द कॉब। तो मैंने बना लिया है, हाँ इतना मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दो खाऊंगी, एक मैं उनको दे के आऊंगी। यहाँ के जो कॉर्न है ना, इतने अच्छे, क्योंकि यूएस में कॉर्न सबसे ज्यादा मिलता है, तो द कॉर्न्स आर सो गुड। मेरा भुट्टा खाना खत्म है, ऐसा नहीं है कि तीनों भुट्टा मैंने अकेले खा लिया है। सी, फिर आप लोग बोलेंगे पायल तुमने सब भुट्टा खा लिया, एक मैंने उनके लिए रखा है। पर यू नो मैं गई थी, फिर ही इज लाइक मीटिंग, फिर मैं ऊपर आ गई। अभी ऐसा भुट्टा खा के कौन मीटिंग करेगा। हाँ, तो अभी मैं जल्दी खाना बनाऊंगी एंड यू नो वेट, मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत पानी लाइक प्यास लगा है। तो अभी जल्दी बनाएंगे खाना एंड मैं पी रही हूँ पानी, फिर मैं खाऊंगी बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे पायल ने बोल दिया पानी खाते हैं, पानी पीते हैं। पर हम लोग बंगालीज लोग हर वक्त खाते हैं बोलते हैं ना, तो हैबिट हो जाता है। एंड चलिए खाना बनाएंगे एंड फिर मैं आज राय को लाने जाऊंगी। यार लाइफ बहुत अभी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। हाँ, पहले जब राय स्कूल एंड ऑल जाती थी वो बात कुछ अलग था, नाउ इट इज रियली चैलेंजिंग। एंड आप लोग बहुत जन बोल रहे थे पायल मत भेजो, विद समवेयर इज करेक्ट, पर क्या करें, यू नो सभी बच्चे लोग जा रहे हैं एंड सपोज अगर राय ना जाए, समवेयर शी माइट फील लेफ्ट आउट, यू नो उस वी डोंट नो बच्चों के दिमाग पे क्या चल रहा है अभी स्कूल पे। जैसे उस दिन वो गई ना, तो वो स्कूल का बात को लेके वो लोग लाइक नो, बच्चों में तो वही होता है ना, सेलिंग अबाउट देयर स्कूल में क्या हुआ एंड ऑल दैट। तो माय हबी इज लाइक फिंगर क्रॉस, यार ऐसा ही रहना चाहिए। पर हाँ, एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, एंड इफ़ यू हैव द सेम एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना। आई फेल्ट यू नो, ये जो थर्मोमीटर है ना, जो फोरहेड पे देखते हैं, इसका कभी कभी ना इसको लाइक इसका रीडिंग कभी कभी गलत आता है। जैसे कि लास्ट फ्राइडे राय जब स्कूल गई ना, तो जाने से पहले मैंने इसी में रीडिंग लिया था, ओके। फिर जब राय स्कूल गई ना, जब आप जाएंगे ना, वो लोग आपको फर्स्ट वो लोग कार्ड में ही देखेंगे, अगर वो लोग को लगा ज़्यादा देन दे विल सेंड यू होम। पर तब वो लोग ने फर्स्ट देखा ना, फिर वो लोग देख रहे कि अरे राय का तो टेम्परेचर है, फिर वो लोग बोल रहे 100.2। फिर मैं अभी राय को तो पता है ना, तो राय इज लाइक नो मम्मी आई एम फाइन, एंड मैंने भी देखा था। फिर मैंने बोला नहीं, मैंने लाइक अंदर में हम लोग थे, फिर मैंने बोला नहीं राय का तो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने चेक किया
फिर वो लोग ने बोला ठीक है और एक थर्मोमीटर लाते हैं ऐसा वाले। फिर वो लोग ने चेक किया, देन दे चेक टू टाइम्स, इट वॉज परफेक्ट। तो आई फील कि कहीं ना कहीं ये ना रीडिंग गलत दिखाता है, तो इसलिए आज से हम लोग इसी में चेक करेंगे। आई हैव सीन इसमें ना कभी भी गलत नहीं आता है, एंड मुझे लगता है पहले तो बहुत मोस्ट ऑफ अस हैज दिस थर्मोमीटर ओनली, ये भी बहुतों के पास होता है, बिकॉज अगर छोटे बच्चे हो ना तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे और एक हम लोग को कुछ खरीदना था, जहाँ पे जैसे कि डॉक्टर के वहाँ पे भी जाओ, वो लोग भी कान के अंदर ईयर के अंदर में देखते हैं ना, तो यहाँ पे इस पे हर वक्त परफेक्ट आता है। कल जैसे हम लोग गए ना शॉपिंग करने, एंड जैसे मैं बोल रही थी ना 20 मिनट्स में हम लोगों ने शॉपिंग किया एंड आ गया, एंड आ गए हम लोग, तब आने के बाद ना राय बोल रही है मम्मी मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। तो हम लोग डर जाते हैं ना, फिर मुझे ऐसा लगा हाँ अरे राय का तो ऐसा बुखार बुखार लग रहा है, मैं अपने हबी को बोल रही हूँ क्या हुआ। फिर आफ्टर एवरी वन आवर हम लोग टेम्परेचर चेक कर रहे, बट इट वॉज लाइक ठीक था, उसका कुछ भी नहीं था। तो आज सुबह में शी इज लाइक आई एम फाइन मम्मी। एक्चुअली राय को ना बहुत ज्यादा एलर्जीज होते हैं, तो कल उसको डॉक्टर ने पहले से ही बोला था कि तुमको एलर्जी से कभी कभी हेडेक हो जाता है बहुत, तो आज जैसे वो फाइन है, यू नो कहीं ना कहीं दिस इज अ जॉइंट एफर्ट। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्कूल को बोलेंगे कि नहीं नहीं स्कूल को सब कुछ करना है, स्कूल को हम लोगों को भी तो करना है ना। सी अगर राय को सपोज बाई चांस बुखार है एंड मैं स्कूल भेज दूँ, वो लोग तो चेक करेंगे, बट समवेयर वो लोग ने हर वक्त हम लोग को बोला है कि आप लोग घर में टेम्परेचर चेक करना, अगर ठीक है देन ओनली सेंड। जैसे पहले जैसे बच्चों का रनिंग नोज एंड ऑल होता था तो सभी बच्चे लोग स्कूल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे एलर्जीज बहुत कॉमन है। तो पर अभी वो लोग ने बोला है कि रनिंग नोज हो, कुछ ऐसा रिलेटेड हो जहाँ पे यू नो किड हैज टू ओपन देयर माउथ, प्लीज स्कूल में मत भेजो। कुछ भी हो, परफेक्ट हो तो ही स्कूल में भेजो, विच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। एंड आई ऑलवेज फील ना पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं एक दाल बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं बीन्स और कैरेट को ना बहुत फाइनली चॉप कर रही हूँ। तो फर्स्ट प्रेशर कुकर में मैंने मसूर दाल लिया है, फिर एक टमाटर, फिर मैंने जो चॉप किया था ना कैरेट एंड बीन्स वो मैंने ऐड कर दिया है, फिर पानी, सॉल्ट, हल्दी, एंड अभी मैं इसमें गार्लिक भी मैंने थोड़ा ऐड किया है, फिर थोड़ा ऑयल। तो फिर अभी दो सीटी एंड बस हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन चॉप कर रही हूँ भाजी बनाने के लिए। तो अभी मैं एक सिंपल भाजी बनाऊंगी विथ स्प्रिंग अनियन एंड आलू, एंड सिर्फ मैं इसमें ना थोड़ा नमक एंड हल्दी ऐड करती हूँ। एंड ये ऐसा डालना खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सपोज अगर आपके बच्चे को वेजीज खाना पसंद नहीं हो, यानी मेरे जैसे हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे नखरे, हाफ ऑफ द थिंग्स मैं खाती नहीं हूँ, देन आप ऐसा करके बना सकते हैं, वो लोग को पता भी नहीं चलेगा। एंड पता नहीं यार मेरा ये कप ठीक होगा क्या होगा, यू नो इट्स बीन अराउंड 2 weeks की वो लोग देख के गए एंड वो लोग ने ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि पहले भी मेरा ये खराब हुआ था, पर वो सिर्फ 2 दिन लगा था ठीक होने में। तो क्योंकि मैं स्प्रिंग अनियन और आलू भाजी एक साथ बना रही हूँ ना, तो फर्स्ट मैंने आलू को थोड़ा फ्राई कर लिया है, एंड आलू जब 50% कुक हो जाए ना उसके बाद मैं स्प्रिंग अनियन ऐड करूंगी, क्योंकि आपको सबको पता है स्प्रिंग अनियन कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो ये खाने में काफी टेस्टी लगता है। एंड अगर आप चाहे तो आप ग्रीन चिली फिर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दाल रेडी हो गया है। तो अभी मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो तड़का मैं जैसे कि बहुत ही सिंपल तड़का होता है, अनियंस, फिर थोड़ा हींग, थोड़ा ड्राई रेड चिली एंड फिर थोड़ा जीरा। एंड दाल को ना एक क्या बोलूँ, एक अलग ही लेवल में ले जाने के लिए इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके पास चारकोल हो तो यहाँ पे चारकोल गरम हो रहा है, एंड फिर यू नो इट विल क्रिएट ए स्मोकी फ्लेवर। एंड आप ना ऐसा राजमा में भी कर सकते हैं, राजमा छोले, उससे ना मैं क्या बोलूँ टेस्ट इतना डिफरेंट हो जाता है। तो अभी जब भी मैं कभी दाल एंड ऑल बनाती हूँ ना, कभी अगर मेरा मूड हुआ तो मैं ऐसा करती हूँ। एंड हाँ आप लोग बहुत जन पूछते हैं पायल तुम चारकोल कहाँ से लाती हो, तो आई शो यू, आई हैव वन बिग बैग ऑफ चारकोल।
जो घर के अंदर नहीं बाहर रखते हैं, उसी फुल एक बैग है चारकोल का। मैंने राइस चढ़ा दिया है, पता नहीं आप लोग, कोई कोई मुझे बोल रहा था पायल बिठा दिया है, बोलो बिठा दिया है स्लैश चढ़ा दिया है, एंड एक बार ना ऐसा डाल, नहीं तो मैं बोल रही हूँ ना कोई भी सब्जी, लाइक कोई भी आप सब्जी बनाए ना, जस्ट एट द एंड फॉर टू गेट द स्मोकी फ्लेवर, इतना टेस्टी हो जाता है। अभी जैसा दाल को खा के लग रहा है पता नहीं कितना हाई फाई दाल है, एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है, इतने सारे वेजीज उसमें है, एंड अच्छा ही है यू नो, बट बहुतों को मैंने देखा है, बहुत लोग को फिर स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं है, बट कहीं ना कहीं हाउ मेनी ऑफ यू फील कि लाइफ भी ऐसा ही है, ऐसा तो हम लोगों का लाइफ सिंपल नॉर्मली चलता है, बट समटाइम्स यू नो दैट स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स होता है ना, इट एड्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, नहीं तो लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। तो अभी किचन हो गया है गंदा, मुझे किचन साफ करना है, मुझे राई को लेने जाना है, अभी वो ही मैं सोच रही हूँ मैं कितना बजे जाऊँ, अभी 1:17 हुआ, इतना जल्दी जाऊँगी तो वो लोग मुझे बोलेंगे तुम चले जाओ। तो अभी भी मेरे पास टाइम है, तो मुझे लगा कि चलो बाकी का जो काम है वो मैं कर देती हूँ राय को लाने से पहले, एंड डेफिनेटली ये पैंडमिक में एंड जब से राय का स्कूल स्टार्ट हुआ है मेरा बहुत सारा काम इंक्रीज हो गया है। मैं अभी राय को लाने जाऊंगी, लाइक मैं कार में ही रहूंगी, एंड पता नहीं यार दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं स्कूल से उसको लाने जा रही हूँ, कभी ऐसा हाँ मैं लाने गई थी, बट दैट टाइम होता है ना यू नो एक्स्ट्रा क्लास रहता है, नहीं तो कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी रहता है, बट ऐसा नॉर्मल स्कूल में लाइक स्कूल डेज में मैं कभी भी नहीं गई हूँ, क्योंकि बस में आते हैं ना वो लोग, तो मुझे लगा कि चलो मैं जाके देखती हूँ कैसा है, एंड जल्दी भी हो जाएगा, जल्दी मैं लेके आ जाऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ, एंड एक्चुअली राय सही बोल रही थी, लाइक अभी भी 20 मिनट्स बाकी है राय का स्कूल खत्म होने में, एंड ऑलरेडी यू नो बहुत सारा लाइन स्टार्ट हो गया है, जनरली इतना जल्दी आओ तो मैं पहली होती थी, पर यार डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना सडनली लाइफ हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग, मे बी सभी पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता होगा ना कि बस में क्या जरूरत, हम लोग ही लेके आएंगे, तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा अराउंड 20 मिनट्स। वो राय के आने के बाद ना तुरंत वो नहाने चली गई है, एंड एक तरफ से अच्छा है कि राय का जो लंच ब्रेक होता है ना, इट सीम्स वो लाइक 2 पीरियड पहले ही होता है, तो राय जैसे बोल रही थी मम्मी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, एंड पहले ना कभी लाइक फ्राइडे तो मैं कभी भी राय को लंच नहीं देती थी, क्योंकि हर वक्त वो पिज़्ज़ा खाती थी, एंड बहुत छोटा सा ऐसा होता था, एंड कभी कभी यू नो जब मैं देखती थी पास्ता एंड ऑल है तब भी मैं नहीं देती थी, क्योंकि वहाँ लाइक वो लोग के स्कूल के कैफेटेरिया में ना एवरी डे दे यूज़ टू मेक लाइक फ्रेश लंच बनाते हैं, जैसे कि हम लोग घर पर फ्रेश लंच बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग लाइक दे यूज़ टू मेक फ्रेश लंच, एंड कुकीज़ भी वो लोग ना डेली बनाते थे, एंड बाकी का जो कुकीज़ रहता था लाइक बच्चे लोग नहीं लेते थे खरीदते थे एंड ऑल दैट, वो सब डोनेट कर देते थे, तो द लंच यूज टू बी सो फ्रेश ना, तो कभी कभी जब मैं देखती थी पास्ता एंड ऑल है, पर अभी वो सब तो छोड़ो ही और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अभी स्कूल में कोई भी कैफेटेरिया में दे आर नॉट मेकिंग एनी लंच एंड ऑल, एंड जो भी लंच मेन्यू है ना लाइक मंडे टू फ्राइडे सेम मेन्यू है, तुमको चाहिए तो पहले से हम लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा, तो वो बाहर से पैक्ड होके आता है, तो इन्हीं और राय जब आती है, अभी बहुत सारा काम बढ़ गया है, फर्स्ट तो मैं राय के बैग को मैं सैनिटाइज करती हूँ, फिर डेली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इतना पोर्शन क्लीन करती हूँ, क्योंकि राय का शू लाइक उसको बहुत मुश्किल होता है बाहर खोलने में, तो ये वो यहाँ बैठ के खोलती है, एंड फिर राय का और मेरा शू, देयर इज वन मोर, ये दिस इज
इसोप्रोपेन अल्कोहल, पर ये आप घर में यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ दिस आर ओनली फॉर यू नो आउटडोर पे ही आप यूज कर सकते हैं, लाइक शू एंड ऑल. सपोज आपको डिसइनफेक्टेंट करना है आपका बरामदा एंड ऑल, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी जाता है ना शू को मैं भी डिसइनफेक्टेंट कर देती हूँ, लाइक जितना हो सके यू नो आई ट्राई टू डू. लाइक मैंने बैग को कर दिया, अभी मैं उसका पूरा जो क्या बोल लो लंच बॉक्स तो मैं वाइप कर लूँगी, क्योंकि ऊपर कैसे करके मैं फिर वॉश करूँ, पर उसका जो पानी का बोतल है ना वाटर बॉटल, वो दैट आई टोटली वॉश इट एंड ऑल. तो पहले जो थिंग्स वेर इजी ना, अभी वही है, ऑल द थिंग्स हैज बिकम कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे सेफ रहने में कोई भी बुराई नहीं है, एंड ये सब करने में इतना कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. लाइक मैं डेली करती हूँ ना, अब मुझे एक हैबिट हो गया है करने का, तो फिर वो आएगी एंड वो खाएगी. एंड इट्स उसका बहुत सारा होमवर्क है, मुझे पता ही था. यू नो यहाँ का मिडिल स्कूल डेफिनेटली, यार हम लोग भी जब 6th 7th ग्रेड में क्लास में थे तब तो बहुत सारा होमवर्क होता ही था, तो होमवर्क तो होगा ही. तो राय बोल रही मम्मी बहुत सारा होमवर्क है, तो वो खा के देन शी विल स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क. तो चलो बाहर चल के करते हैं टाटा बाय बाय. तो फिर मैं भी टायर्ड हो गई हूँ. तो चलो पसंद आया है तो एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब. तो चलो बाय बाय.